के विकास नगर स्थित जीवन दीप आश्रम पहुँचे महामंडलेश्वर ने कहा कि नई संसद के साथ नया संविधान बनाया जाए, यह सनातन हिंदू संस्कृति पर आधारित हो, जिससे एक देश एक नगर की बात हो, धर्म जाति और मौलिक अधिकारों को लेकर भेद न हो, क्योंकि मौजूदा संविधान इन आधारों पर भेद करता है। मंडलेश्वर के इस बयान को लेकर दलित समाज में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि उपयुक्त कथन भारतीय संविधान की स्पष्ट अवमानना है। नए संविधान में आरक्षण पर पुनः विचार को यह कथन 8 सितंबर को अनावश्यक जन आंदोलन के लिए उत्प्रेरित करता है। मदरसों के संबंध में निराधार भाषण कर वर्ग विशेष को जानबूझकर आरोपित किया गया है, जिसके कारण समस्त मदरसा संचालकों की धार्मिक भावनाएं अपमानित आहत हुई हैं और संपूर्ण विश्व में भारत की धर्म निरपेक्षता की गरिमाएं छवि धूमिल हुई है तथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अवमानना हुई है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रनाथ गिरी द्वारा बोले गए उपयुक्त राष्ट्रीय अखंडता और धर्म निरपेक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले शब्द हैं, इसलिए ज्ञापन के माध्यम से मामले की गंभीरता को समझते हुए जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रनाथ गिरी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही एवं भारतीय संविधान के प्रति अविश्वास होने के कारण इनकी भारत की नागरिकता निरस्त की जाए। ज्ञापन देने वालों में आदर्श कुमार भारती, माबे प्रसाद मौर्य, ओपी सागर, मेघराज सिंह आदि लोग मौजूद थे। आज की मांग है महामंडलेश्वर यतीन्द्रनाथ, जो भारत के संविधान के विरोध में काम कर रहा है और कह रहा है इस संविधान को बदलो, जो नया संसद बन रहा है उसमें नए संविधान यानी संविधान को बदलकर दूसरा संविधान लागू करना चाहता है और भारत की एकता को अखंडता को खत्म करना चाहता है, ऐसे यतीन्द्रनाथ महामंडलेश्वर को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं और कोतवाली में हम लोग अपना ये उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं और DM के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत ये हमारी BMP जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, बहुजनों को आज़ाद करने वाली पार्टी है, ये बहुजन समाज के सम्मान में भारतीय संविधान के सम्मान में उसके खिलाफ एक्शन लेकर के ये पूरे मतलब देश में हर जिले में ये अपना कार्यक्रम आज का आंदोलन है। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं भारत को संविधान को यथावत रखा जाए, जो भारत संविधान को जलाने वाले हैं, जो संविधान के विरोध में काम करने वाले हैं, जो हमारे भारत के लोगों के अधिकार को वंचित कर रहे हैं, उनके विरोध में कानूनी कार्रवाई हो, उसको गिरफ्तार किया जाए।